अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो फिर से हम खेल रहे हैं टू वर्सेस स्क्वाड, और इस बार खेल रहे हैं अपने भाई के साथ जूबी गांजा, गांजा जूबी टिकटॉक, और जो भी आप बोल सकते हैं उसको बोलो, इसी लायक है ये। तो गाइस, जोन जा रहा था, ओ प्लेन जा रहा था हमारा मिलिट्री से या स्नैक की तरफ, तो हॉट ड्रॉप बनता है मिलिट्री बेस। तो हमने फैसला किया कि हम जाएंगे मिलिट्री बेस और वहाँ जाके मचाएंगे, कान के नीचे लगाएंगे, अकल इस्तेमाल करके चिकन डिनर लेके आएंगे, दो केड़ी की सस्ती शायरी विद एनोनिमस। लॉल, जब हमने जंप किया फौरन हमारा पैराशूट खुला। अगर आप लाइक करोगे ना तो आप भी जल्दी लैंड करोगे, कभी ट्राई करके देखो। लाइक करो फिर जाओ पबजी खोलो, लैंडिंग करो जल्दी लैंड कर जाओगे। जल्दी से लाइक का बटन ठोक दो, लाइक का बटन ठोक दो। और यहाँ पे हम उतरे, फौरन से गनमैन उठाई, काफ़ी अच्छी लूट मिल गई भी हमें, आती पेन किलर, वेन किलर 4x6x ये बोई। अब हमने लूट करने के बाद किया रश, जो स्क्वाड सामने उतरा था, हमने कहा कि जाके बैंड बजाएंगे इनके कान के नीचे लगाएंगे भाई। अच्छा। वो देखो सामने बॉट मार रहा है, साउंड पता नहीं कहां से आ रहा है। एक का तो हमने बकरा बनाया, बकरी बनाया, अच्छा मेरे क्लोज एक बंदा है, बिल्ली बनाया, जो भी चार टांगों पे आ गया। और ये हमारी एके पे 4x लगा हुआ था, लेकिन हमने फिर भी हमारी जिंदगी थोड़ी बहुत हमारी जिंदगी खतरे में आई, लेकिन हमने अकाल इस्तेमाल किया, उससे मौत कुछ हुआ और वापस आ गए, गलत हो गया ना। तो फिर हमने यहाँ पे मौत कुछ हुआ और से वापस आ गया, से वापस आ गया। तो चलो अब सिर्फ डायलॉग मैं बोलूँगा या आप भी बोलेंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है और नाड़ा कच्चे के लिए होता है, तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। अभी मेरा तरीका है आप लोगों से डायलॉग्स बुलवाने का, देख लो ये बोल। तो यहाँ पे अब हम लूट वूट कर रहे थे आराम से, कौन से 3x दिया हमने अपने जूबी भैया को। फिर हमें ऊपर से फुटप्रिंट आया कि ऊपर बंदा है भाई, मामा हीर था ऊपर आ चुका है भाई। ऊपर नहीं। देखना कहीं ये घास में जाएगा और मुझे एक सेकंड में नजर आता है, बस जंप करते करते नजर आएगा ये, देखना वो रहा देखो। ओए ये मैंने जैसे मारा था ना, मैं खुद हैरान हो गया था, मतलब हवा में होता मैं और मैंने जंप करते करते इसको देखा और फायर कर दिया। हेल्थ तो इसकी कम थी पहले से बेचारा। लेके जा मस्त किस्म की जगह पर, लेके जाना ठीक है भाई। अले तेरे चपड़े मारने आके वहां पे, अले मिला बाबू। कंफर्म तो यहां पे हमने कान के नीचे लगाया, दोबारा से मौत को छुआ और से वापस आ गए। ये स्क्वाड भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने को कोई गोली टच भी नहीं हुई, छू भी नहीं सकी, लेकिन अभी हो गया, अभी हम भी बकरा बनेंगे, है ना? अबे भाई, ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, कभी कभी होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़ा कच्चे के लिए होता है, वरना कभी कभी आपकी अकल इस्तेमाल करना आपको महंगा पड़ जाता है। मुझे लगा ये पूरा स्क्वाड नहीं है, दो बंदे देखे भागते हुए, मुझे यहाँ पे तीन बंदे नजर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम ये सोच रहे थे कि ये तीन बंदे हैं, जो कि हम बहुत ही गलत सोच रहे थे। फिर हमने कहा चलो रश करते हैं, ये एक गया, दूसरा गया, तीसरे को भी मैंने ही डैमेज दिया था, जो भी भैया ने किल चुराया, दिल कर रहा था इनके कान नीचे लगाए, लेकिन चलो इन्होंने हमारी जिंदगी बचाई, हमें रिवाइव दिया तो हमने इनको माफ किया, वरना जो भी भैया हम आपके ना पिछवाड़े में नेड कर देते, सिर्फ फट जाते आप, फिर रिवाइव भी ना मिलता आपको। तो यहाँ पे गए, फिर हमने लूट की और कुछ इस तरीके से ना काफ़ी अच्छे किल्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलिट्री बेस क्लियर किया, और हमको निकलना था, पहले तो लूट करते हैं ना, बाद में निकलेंगे भाई। उसके बाद आपको पता वही अभी जो मसला चल रहा है M4 मिली कि गाड़ी नहीं मिल रही थी, और गाड़ी देखना हमें कहाँ जाके मिलेगी। तो यहाँ जाके तो हमें गाड़ी मिली, लॉल। उसके बाद हम यहाँ से गाड़ी लेके निकले ब्रिज की दूसरी साइड, और वहाँ हमें मिलेगा एक स्क्वाड, ये बॉय। जैसे हम यहाँ पहुँचे, जूबी भैया को बंदे नजर आए, मुझे नहीं आए थे, मैंने गाड़ी मोड़ दी, जूबी ने कहा हमने अपनी मेहरान गड्डी पानी में जाने वाली थी हमारी, हमने ब्रेक लगाई, और अब ये पूरा स्क्वाड यहाँ बैठा हुआ था, मतलब तीन बंदे थे, लेकिन हमने कहा चलो घुस जाएंगे, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। यार
यार अजीब भी काम हो गया ये। हो गया लीव। तो मैं थोड़ा सा यहाँ वेट कर रहा था, मुझे डर था नेड करेंगे, तो मैं इसलिए पूरा तैयार था कि नेड हवा में आए हम भागेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे दो नॉक किए जूबी की हेल्थ कम थी, मैंने जूबी को बोला कि भाई देख तू हील कर, मैं जा रहा हूँ घुसने, हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, आप हील करके आ जाना, कोई मसला नहीं बाबा जी। तो ये तीन बंदे थे छत पे, बस चौथा इनका पता नहीं कहाँ था। इनका चौथा बंदा ना कमेश की गया होगा, वहां जाके बोल रहा मैंने कहा था मेरे साथ आओ, चले गए ना अकेले, ये कुछ ऐसा बोला होगा वो इनको जलाने के लिए। मैं खेलता रहा हूँ ना मतलब शुरू में ऐसे, तो मुझे पता क्या होता है, वो इनको भी मतलब तंग कर रहा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। मर गए तो कोई बात नहीं, दोबारा मैच लगाओ यार। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हमने मौत को छुआ और से वापस आ गए। तो गाइस इंस्टाग्राम पे हमारे ना 18,000 फॉलोवर्स होने वाले हैं, अनोनिमस की पब्लिक 18,000 होने वाली है इंस्टाग्राम पे, 200 कम है यार। तो प्लीज़ 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 तीन बार प्लीज़ बोला, जाके 200 कर दो वहाँ पे, इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे हमारे 18,000 पब्लिक हमारे इंस्टाग्राम पे। जाके फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, या आप लिखो दी अनोनिमस एक्स डी इंस्टाग्राम पे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर आए बॉक्स में, सरकारी डब्बा यहाँ में मिली अपनी पहली मोहब्बत AWM। हमारे पास एटेक्स नहीं था तो हमने रूबी भैया को बोला यार कहीं ना कहीं से हमें एटेक्स निकाल दो, तो एटेक्स मिला यहाँ पे हमें रूबी भैया के पास से। फिर हमने गाड़ी उठाई अपनी, ये क्या है ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, ये कैरी डब्बा, वो जो पिक एंड ड्रॉप वाला कैरी डब्बा होता है ना, ये वो है। यहाँ पे हम ड्रॉप पे आए थे और यहाँ पे अभी पाकिस्तानी स्क्वाड आएगा ड्रॉप पे, ये हम जैसे ही रुके पीछे से गाड़ी आई, मैंने फौरन से कवर ली। आलू प्याज बेच रहा है कोई, तो यहाँ पे भाई हमें मिला विनर विनर चिकन नहीं, मौत कुछ और से वापस आ गए। विनर विनर कहाँ मिला भाई, क्या हो गया? सस्ते नशे विद अनोनिमस, आलू प्याज बेच रहा भाई कोई। टमाटर कोई नहीं बेचता आजकल, है ना गाइस, है ना, ये बात है ना। टमाटर कोई नहीं बेचता, सोने ने बोला मैं महंगा हूँ, हीरे ने बोला मैं महंगा हूँ, फिर टमाटर भाई साहब। तो यहाँ पे बगी आई, अले 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 अले, अभी आप स्नाइपिंग देखना, जब हमें हमारी पहली मोहब्बत ओम मिलती है ना, फिर देखना आप कैसे स्नाइपिंग होती है, देखते जाना पूरे मैच में आगे जाके स्नाइपिंग ही होगी, मज़े आएंगे आपको, मज़े बहुत ही ज़्यादा वाले मज़े। यहाँ पे ना चारों तरफ बंदे आ गए थे क्योंकि हम जोन के दरमियान में थे, जैसे मैं यहाँ देख रहा था हमें कहीं और से पड़ी भाई लॉल। और जब हम यहाँ के अपने आप को मतलब हील करने लगे, फर्स्ट एड लगाने लगे, इस तरफ भी बंदे, तो कुछ ऐसा हुआ, हो भी जा, अरे कुछ ऐसा हो भी जा, अरे अभी भी नहीं हुआ, अब हुआ। और पीछे से हमें गोलियां गोलियां पड़ती हैं, हमारी ज़िंदगी दोनों तरफ से ख़तरे में आ चुकी होती है और हमें काफ़ी ख़राब लगता है। यहाँ से मैं एंगल लेता हूँ, नए नज़र आते फिर हम यहाँ पे दोबारा मेडकिट लगाते हैं भाई। एक तो ये हीलिंग हमारी ना बार बार 5-6 सेकंड हमारे ऐसे ज़ाया करा देते हैं, हमें बहुत ख़राब लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। अरे बबुआ हमने निकाल ली अपनी ओम वापस से, हमने कहा ना, अब तो हमने हील कर लिया, अब हम उनके कान के नीचे लगाएंगे। ये देखो ज़रा, आपने मारा था ना पहले, चलें लॉबी चलें सर। फिर अब ये दो बंदे हमें मार रहे थे, अरे आपको तो हमने देखा ही नहीं, अरे आपको भी हमने नहीं देखा, ना कहाँ छुपेंगे सर। और यहाँ हमने दोबारा ओम को छुआ और उनको गई नहीं ना, ओम चला रहे थे, ना 18 किल हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना प्लेयर ड्रॉप भी आ चुका था, उसका तो धुआं भी ख़त्म हो चुका था, वहाँ पे बगी भी नहीं थी जो पहले थी। जैसे ही यहाँ आए हमने ओम उठाई, एमओ उठाई, तो थोड़ा सा किया वेट,
काफ़ी टाइट गेम प्ले, मज़े का गेम प्ले जा रहा था ये अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जिंदा थे हम, जैसे ही हम मुड़े हमें एक बंदा नजर आया। अरे डॉन भैया गलत कर रहे थे आप, अब हमारे हम पे हेडशॉट लेना चाह रहे थे। हमने अकल इस्तेमाल की और इनको से मौत के मुंह में भेज दिया। अब बंदे बचे हैं छः। अरे 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 ऐसे नहीं करते बबुआ। अब बंदे बचे गाइस चार, दो को और हमने कान के नीचे लगाया, उसे मौत के मुंह भेजा। ढूंढ रहे थे बंदे, वहां पे हमें बंदे मिले। जुबी ने एक को नॉक किया। अभी जुबी गांजा गांजा खुद बकरी बनेगा, बकरी बन जा ये बोल। फिनिश कर दिया लॉल, बहुत। और यहाँ हमें मिला विनर, विनर चिकन डिनर। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और वेट करना हमारी नेक्स्ट वीडियो का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल आएगी। और बस हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहना। और यप, ख्याल रखना गाइज अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।